हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर यानी कल मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार कबायली क्षेत्रों में बर्फबारी की बीच मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि इन क्षेत्रों सहित सभी प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रदेश भर में चल रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हिमाचल में इन चुनावों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। जी, कल जो 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव है, उसके लिए मैं हिमाचल के सभी मतदाताओं से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में शत प्रतिशत मतदान के लिए आएं, बड़ी संख्या में। और जो हिमाचल के एक रिच ट्रेडिशन है जो पीसफुल इलेक्शन की और हाई टर्नआउट की, वो आगे भी मेंटेन रहे और जो पहले के जो रिकॉर्ड हैं वोटिंग परसेंटेज में, उसको भी आप लोग ब्रेक करें। और खुद भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को माना है कि, और उनको सल्यूट किया है एक तरह से हिमाचल के मतदाताओं को कि वो इतनी भारी संख्या में वोटिंग कास्ट करते हैं और इतना पार्टिसिपेटिव पूरा इलेक्शन रहता है। तो उसी कड़ी में मैं सभी से एक बार पुनः ये अनुरोध करूंगा कि वो कल बड़ी संख्या में आके अपने मत का प्रयोग करें। जो अपना जो स्पेशल समरी रिवीजन में जो मुहिम छेड़ी थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे 18 से 19 साल के बच्चे हमारे या युवा मतदान के लिए रजिस्टर हुए, मतदाता बने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस एंथुजियाज्म और ज़ील से वो वोटर बने हैं, उसी एंथुजियाज्म और ज़ील से वो वोटिंग करने भी आएंगे। और यहाँ पे जो ऑफकोर्स बुज़ुर्गों के लिए भी हम लोगों ने 12D का पोस्टल बैलेट का प्रावधान भी किया, और लेकिन बड़ी संख्या में कल भी आएंगे बुज़ुर्ग और PWD वोटर्स, उनके लिए भी सभी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएंगी। और यहाँ पर जो आज कार्यक्रम रखा गया है, वो इसलिए रखा गया यहाँ के जो युवा मतदाता हैं उनको एक अंतिम संदेश देने के लिए, एक प्रेरित करने के लिए पूरे पूरे हिमाचल के सभी मतदाताओं को। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक वोटर्स प्लेज भी यहाँ पे रखी और यहाँ पे दिलवाई, और देखने में आया कि जो युवा मतदाता हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोश है कल के मतदान के। यहाँ पे बर्फबारी पड़ी थी पिछले कल सुबह तक, और हमारी पार्टीज़ की मूवमेंट भी कल सुबह थी उन क्षेत्रों में। तो हमारे जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, भरमौर और रोडू डोडरा क्वार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और तुरंत ही पार्टीज़ की मूवमेंट के पहले ही जो बर्फ है उसको क्लियर कर दिया गया BRO और PWD की मदद से। और सभी पार्टीज़ जो हैं वो बहुत टाइमली अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुँच गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।